गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज मैं करने वाली हूं दिखाती हूं मैं क्या करने जा रही हूं। बहुत भारी है ये है मेरा वेडिंग एल्बम जिसे मैं रोस्ट करने वाली हूं। एक्चुअली मुझे तो लगता है मुझे भी साल भर हो गया है, मैंने अपना वेडिंग एल्बम देखा भी नहीं है, तो ये मुझे कुछ नया नया दिखने वाला है क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो मैं आज आप लोग के साथ अपना वेडिंग एल्बम शेयर करूँगी क्योंकि आज है मेरी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी। 2 साल पहले आज हम एक हुए थे तो 2 साल हो गए हैं इस दिन के लिए। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो ये जो पॉलिथीन है तो इसको सुरक्षित करने के लिए चढ़ाई गई है। चलो उसको उतारते हैं, इसका ऊपर आगे वहाँ पर है। और ये देखिए मेरी दादी की फर्स्ट फोटो जो ऊपर दी गई है, आई थिंक आपको साफ नजर आ रही है। अभी मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। और इसमें देख रहे हो ना बच्ची की हालत बहुत डरी हुई है, लेकिन एक डरी सहमी बच्ची की आपको बता दें, ये जो मैरिज थी ना ये हमारी लव मैरिज थी। तो मैंने अपनी शादी जो है अपने बेस्ट फ्रेंड से की है। इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो में आप लोग को बताया था। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से की है, तो सबको तैयार करके पूरे घर को मना मना के शादी की है। लेकिन शादी भी बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। आई थिंक मनाया तो हमने सबको किया, कोई भाग के शादी नहीं करी है, कोई गलत करी तरीके से शादी नहीं की है, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम अपनी फैमिली को भी प्यार करते हैं। तो हमने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, हमने सबको मना के, मम्मी पापा सबको मना के हमने शादी की है। बट शादी करते करते यानी 10 साल हमें बीत गए थे, हमारे रिलेशनशिप को 10 साल हो गए थे। तो करते 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 जब हमारी शादी का दिन आया तो फिर लग गया लॉकडाउन। जी हाँ, हमारी शादी हुई थी 24 अप्रैल 2021 को। और ये कोरोना के टाइम में सेकेंड लॉकडाउन था, जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की तभी अचानक से लॉकडाउन था। और शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि जब हम लोग की शादी थी ना तो आस पास कोई ना कोई ऐसे डरावनी खबर आती थी कि हाँ वो ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो गया है। तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन थी। मेरे भाई जो है वो गाज़ियाबाद में थे, वो दोनों भाई मेरे गाज़ियाबाद में थे, उन लोग का भी आना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनको सोसाइटी के बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। पूरी सोसाइटी जो है वो लॉकडाउन में मतलब लॉक कर दी गई थी, ठीक है, और कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। किसी तरह से मेरे भाई आए गाज़ियाबाद से, यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले आए थे। और आपको बता दूँ, मुझे पहली बार मैंने अपने भगवान को महसूस किया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे भाई मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। ये मना हो गया था क्योंकि उनको सोसाइटी से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर सी बात मेरे भाइयों की जिम्मेदारी थी, वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गई थी। तब मैं अपने भगवान जी के पास, लड्डू गोपाल के पास गई, मैंने कहा कि आप मेरे भाई हो और आपके बगैर ये शादी नहीं होगी। दूसरे दिन मैं रोती हुई रात में सो गई, क्योंकि कुछ पता नहीं था, लॉकडाउन लग गया, कैसे शादी होगी ये भी नहीं पता था। मैं सो गई और सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, लगभग 6 बजे से पहले मैं जग गई थी उस दिन, बिल्कुल नींद भी रात भर नहीं पड़ी थी। तो मुझे पता चला कि हाँ भैया लोग वहाँ से चल चुके हैं और वो आ जाएंगे, तो दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तब से लड्डू गोपाल जो है वो मेरे भैया हैं, और जो मैंने मैके वाले और जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो मेरा बच्चा है, ठीक है, उसका नाम लड्डू है। तो एक चीज़ मेरे साथ ये हुई और ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद ये शादी करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं, जो हॉल बुक था वो हॉल कैंसिल हो गया, हलवाई ने भी मना कर दिया, कैटरिंग जो भी काम था टेंट वगैरह का सारा काम मना कर दिया, कोई भी करने को तैयार नहीं था, कोई भी नौकर नहीं मिल रहा था। और हमारी शादी 10 साल तक खिंची थी, तो ना हम बैक हो सकते थे, यानी मेरे घर वाले भी अब पीछे नहीं जाना चाहते थे और यहाँ से ये बिल्कुल नहीं पीछे होना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर ये शादी रुक गई तो फिर से हमें वही सब झेलना पड़ेगा, फिर से सबको मनाना पड़ेगा, कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया था हमारी लाइफ में, तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी, बट भगवान ने इसे संभाल रखा था। मेरे घर में शादी, मेरा घर में एक बड़ा सा आंगन है, यहाँ से इन्होंने ही कहा पापा से कि आप ऐसा करो, कोई मंदिर या कोई हॉल वगैरह बुक करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की नहीं, घर में ही शादी होगी। और यहाँ से दोनों घर को मिला के 35 लोग ही थे हमारी शादी में,
कोई भी नौकर नहीं था, कुछ इस तरह से हमारी शादी हुई थी। अब चलो मैं आपको वेडिंग एल्बम दिखाते हुए भी कुछ बातें बताती हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा वेडिंग एल्बम जो उठाने में बहुत ज़्यादा हैवी है, तो चलो इससे बाहर निकालते हैं। एंड फ्रंट जो कवर है उसके ऊपर ये मेरी फ़ोटो है। अब बाप रे, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा है। तो ये है मेरा एल्बम नहीं है, कवर वो था। एंड ये सेकंड कवर है और इस कवर के ऊपर ये है मेरी फ़ोटो। ओके, तो ये है मेरी कवर के सेकंड कवर के ऊपर की फ़ोटो। एंड इसे ओपन करते हैं। ओके, ये यहाँ से खुलेगा, तो चलो इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मिलेगा मेरी शादी का कैलेंडर। ये देखिए, 2021 में हमारी शादी हुई थी, 24 अप्रैल 2021। ठीक है, तो ये होगा कैलेंडर। एंड ये है अब एल्बम। तो ये फ्रंट है इसका एल्बम का। ओके, तो मैं आपको लॉकडाउन वाली शादी का आज एल्बम दिखाने वाली हूँ कि जो लॉकडाउन में शादी हुई उसका ये एल्बम है। ठीक है, 2 साल हो गए हमारी शादी को, 24 अप्रैल 2021 को ये शादी संपन्न हुई थी। ठीक है, तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाइट पेपर, तो ये फर्स्ट पिक्स, और ये ना पूरी 3D पिक है, जो ज्वेलरी है एंड जो बिंदी है, ज्वेलरी है, जो भी चीज़ मैंने इस सीरीज पहनी है वो सब चीज़ इसमें उभर कर आई है। छूने में अच्छा लगता है, पटकम छूते हैं ना गंदा हो जाएगा, तो इसी तरह ये भी है। इनकी भी शेरवानी में भी कुछ ऐसा ही वर्क किया गया, बहुत ही प्यारा ये वर्क है और बहुत ही अच्छा एल्बम बनाया है इन्होंने। तो ये है हमारा पर्स, ये देखिए। तो ये है मेरी, मतलब एक्चुअली बात, मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी तो फोटोज़ बहुत कम खींची थी, और उसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि हमारी शादी, जैसे ये बारात लेकर आया तुरंत ही पंडित जी ने कहा था कि जल्दी जल्दी शादी निपटा लेते हैं 2 घंटे के अंदर, तो फ़ोटो खींचने से मना कर दिया था जो भी बड़े लोग थे, उन्होंने कहा, वो नाराज़ होने लगे थे। बट यार इतने, क्योंकि जो मेकअप हुआ है, जो तैयार हुई, ये मेरा मन था कि मैं रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में रहो, मैं सजूंगी और ऐसी दुल्हन बनूंगी, वैसी दुल्हन बनूंगी, ऐसा जूड़ा बनाऊंगी, तो मैंने सोच रखा था मैं अपनी, चाहे मेरी शादी लॉकडाउन में हुई हो लेकिन मैं तैयार अपने ही जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मैं तैयार हुई थी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और मेरी एक भी फ़ोटो नहीं खींचती तो कितना गंदा लगता। मतलब मेरी जगह किसी भी दुल्हन को रख के देखो, हर दुल्हन का सपना होता है कि उसकी शादी में तो फ़ोटोज़ तो उसकी अच्छी आए, उसकी, उसके दूल्हे की। तो जो फ़ोटोज़ हमने, मैं बिल्कुल मतलब निराश हो गई थी, सब लोग चिल्लाने लगे थे कि कोई फ़ोटो नहीं होगा, कोई फ़ोटोशूट नहीं होगा, जल्दी शादी करो, मुहूर्त निकल रहा है, फलाना ढमाका। तो फिर मैं, जब मैं निराश हो गई तो मेरे पति देव ने थोड़ा सा वहाँ पे गुस्सा किया कि यार ये क्या है, शादी हम लोग की दोबारा तो नहीं होने वाली है। तो फिर जब इनका गुस्सा हुआ, ये जब गुस्सा हुए तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जैसे बात है दूल्हा गुस्सा हो जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा, ना इनके घर वालों ने बोला ना मेरे घर वालों ने बोला। फिर हमें 1 घंटा मिला था, उस 1 घंटे में हमारा फ़ोटो शूट भी हुआ एंड उसी 1 घंटे में हम लोग ने खाना भी खाया था। ठीक है, तो ये वो फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, ये जयमाल के बाद की फ़ोटो है। ठीक है, साइड से ली गई है और बहुत ही प्यारी ये पिक आई है। आप फोटोज़ देना, फोटोज़ देखना और बताना कि यार मेरा मेकअप कैसे हुआ है, मेरे दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये फ़ोटो हुई है एंड चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोज़ और हैं, और आपको बता दें ये जो खुशी है हमारे चेहरे पे, ये खुशी है हमारी लव मैरिज करने की, कि हमने फाइनली एक दूसरे को पसंद किया और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और एक साथ रहना चाहते थे। शादी तो एक बहाना था, हाँ चलो शादी करनी पड़ेगी क्योंकि हम लड़के हैं, लड़के हैं, शादी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो प्यार था वो सफल हो गया था, आखिर वो एक मुकाम तक पहुंचा था हमारा प्यार, और ये शादी हुई थी। तो ये खुशी जो चेहरे की देख रहे हो ना, लॉकडाउन वाली शादी या बिना
कोई बैंड बाजा, ना ही कोई आलीशान शादी थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ कैंसिल हुआ। शादी होगी भी या नहीं ये भी हम लोग को नहीं पता था, बहुत परेशान थे हम लोग। हमारी शादी हुई लॉकडाउन वाली ही सही, लेकिन एक सुकून था, चाहे कुछ भी ना हो ऐसी शादी दोबारा शायद देखने को भी ना मिले, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा और शायद आगे भी ना देखूं। तो बहुत ही अलग सी, बहुत ही प्यारी थी हमारी शादी, इको फ्रेंडली हमारी शादी हुई थी। और आप देख सकते कितना प्यारा है यहाँ पे, ये जो इन्होंने बनाया है मतलब ब्लैक एंड वाइट एंड आप देख सकते हैं। पर हाँ ये फोटो मुझे लगती है यार, लगता है कि दुल्हन को पोटी आ गई है, ऐसी शक्ल बनाई है मैंने और पता नहीं क्या, कितनी गंदी लग रही है ये फोटो, बट ठीक है चलो एक दो तो होता ही रहता है। और ये है तिलक की फोटो, ये तिलक के टाइम की है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इतनी टेंशन भरी थी, तो पहले भी इतनी टेंशन थी शादी को लेकर कि कैसे होगा, कैसे सबको मनाएंगे, और शादी वाले दिन ऐसा लॉकडाउन लगना, और हमारे कोई रिश्तेदार नहीं आ पा रहे थे, और बहुत कुछ बवाल था, और कुछ भी तैयारी नहीं, कैसे होगा ये भी नहीं पता था, तो बहुत टेंशन में थे। और देखो इसमें भी गुस्से में घर बैठे हैं, जब तिलक चढ़ा के मेरे भाई लोग गए थे ना घर, तो उन्होंने कहा था यार दूल्हा कैसा है, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, तो लड़का पहले देखने वाला जैसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो भाई लोग कहते कैसा दूल्हा है, ना हम लोग से ज़्यादा बोला है ना ही, मतलब एकदम मुंह फुलाए बैठा था, तो कुछ बात ऐसी हो गई थी जिसके वजह से ही काफ़ी गुस्से में थे। यहाँ पे भी गुस्से, पूरी शादी में गुस्से में थे ये। बस शादी हो रही थी किसी तरह से, ये शादी इनको निपटानी थी, बस मैं इनको मिल जाऊँ ये दिमाग में था। तो ये है तिलक की शादी, तिलक की फोटो सॉरी। और यहाँ पर घर की कुछ रस्में हो रही हैं, घर की औरतें हैं, मम्मी हैं, बुआ लोग हैं, तो ये सारी रस्में यहाँ की कर रही हैं। ये देखो सब चाची हैं, बुआ लोग हैं, ये सारी फोटोज हैं। ओके तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी वही फोटोज हैं, सारी रस्में की जा रही हैं यहाँ पर। ओके तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ये हल्दी की फोटो है, एक्चुअली बात मेरे घर का जो कैमरामैन था उसने मना कर दिया था, और यहाँ का कैमरामैन बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था, वो भी नहीं तैयार था शादी में आने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल से, पापा के दोस्त वगैरह थे तो वो बहुत मुश्किल से तैयार हो गया। तो यहाँ के ही फोटोज़ हैं, मेरी हल्दी वगैरह की फ़ोटोज़ नहीं है, तो ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं है इन सब की। तो ये हल्दी की फ़ोटो है, उसके बाद की जो फंक्शन हो रहे हैं उनकी फ़ोटो है, फ़िलहाल हल्दी की है। ये देखो सब लोग हल्दी चढ़ा रहे हैं इनको। ओके तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हल्दी ही चल रही है, ठीक है। ओके सारी रस्में हो रही हैं घर की, यहाँ सब रस्में ही हैं, शादी से पहले की रस्में जब दूल्हा तैयार किया जाता है। और यहाँ पे देखो इनकी भाभी इनको काजल लगा रही हैं, ठीक है, और इनके फूफा जी लोग हैं, मम्मी हैं, तिलक कर रही हैं, और फूफा जी इनको सेहरा पहना रहे हैं, क्योंकि इनके कोई जिया जी नहीं है, तो फूफा जी ने यहाँ पे किया था, ठीक है। और यहाँ पर ये इनकी सारी चाचियाँ हैं, इनकी भाभी ने भी लगाया था, इनकी चाचियों ने भी काजल लगाया था इनको, क्योंकि ये घर में सबसे बड़े हैं अभी तक, जितने भी मतलब नई पीढ़ी में सबसे बड़े यही हैं, तो एक भैया और है लेकिन वो बाहर रहते हैं, तो यहाँ पर रहने वाले सबसे बड़े ये हैं, तो चाचियों को बहुत शौक था, तो उन्होंने भी काजल लगाया था, सभी ने काजल लगाया था। और यहाँ पर देखो ये इनके बाबा लगते हैं, ठीक है, तो कितना ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्होंने पहले पोते की, मतलब कोई बाबा है जिन्होंने पोते की शादी देखी थी, तो बाबा अभी बहुत खुश है। और ये देखिए कितने मुस्कुरा के ये बाबा से वो जो आशीर्वाद है, लिफाफा है, वो ले रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इनका फोटो सेशन यहाँ चल गया, हमारा फोटो सेशन नहीं कर रहे थे। ओके तो यहाँ पर आरती वगैरह उतारी जा रही है, ठीक है, यहाँ पर बुआ काजल लगा रही हैं, टीका कर रही हैं बुआ, इनकी बुआ हैं, ये सारी बुआ हैं इनकी, इनके चाचा हैं, बुआ हैं, तो सब टीका कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये देखो भाभी के साथ फोटो सेशन हो रहा है, सारी बुआ चाचियों सबके साथ फोटो सेशन हो रहा है।
मतलब अगर एल्बम बनता हो मेरी फोटो ना खींचती तो सारे एल्बम में तो यही छाया रहता है, मेरी तो फोटो ही ना होती, बच गई मैं। मेरे एल्बम में होता क्या? कुछ नहीं होता मेरे एल्बम में। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक बारात मेरे घर आ गई और ये देखिए ये है मेरी बारात की फोटो, ठीक है। बस इतने बराती, एक दो बराती और होंगे, ये हमारी बारात आई है। ना कोई घोड़ा है, ना बैंड बाजा है, ना कुछ भी नहीं है। और मुझे, मैंने तो नहीं देखा था मेरी बारात जब आई थी, तो मेरी फ्रेंड लोग बता रही थी कि तुम्हारे पापा लोग ये जो घर वाले हो सब पीछे थे और गाड़ी में ही थे, मतलब आ रहे थे, और दूल्हा पैदल ही चला जा रहा था अकेले ही। देख के बड़ी हंसी आ रही थी, इनको शादी करनी थी, बस दिमाग में था हाँ मेरे बगैर शादी नहीं हो सकती ना, दूल्हे के बगैर, तो यही चले आ रहे थे। और ये भैया सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, ये सबका स्वागत। ये है मेरे तीन हीरो जिनकी वजह से ये शादी हो पाई, मैं इनकी कर्जदार हूँ। ये मेरे तीनों भाई हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर, दो दिन नहीं एक दिन के अंदर पूरी शादी अरेंज की थी, मंडप और जो भी, क्योंकि किसी ने भी जो हलवाई थे उन्होंने मना कर दिया था शादी में, मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए, तो रेस्टोरेंट से बात करके खाना भी सारा मैनेजमेंट देखना, एक भी नौकर नहीं थे। मेरे भाई एक पैर पे खड़े होकर नौकर बन गए थे, नौकरों की तरह इन्होंने काम किया है। इन दोनों भाइयों ने तो कपड़े ही नहीं चेंज किए, मेरे बड़े भैया उनीश भैया और रवि ने तो कपड़े नहीं चेंज किए, और मेरे भैया ने क्योंकि उनको रस्में करनी थी तो इन्होंने कपड़े चेंज किए थे। बाकी ये लोग तो बिल्कुल लगे थे एक पैर में, तो बहुत मेहनत की थी, बहुत अचानक से, क्योंकि पूरी शादी अरेंज करना, चाहे कम लोग पहुंचे थे, 35 ही लोग थे दोनों घर को मिलाकर, फिर भी बहुत टेंशन होती कि शादी जैसा बड़ा फंक्शन आप घर में कर रहे हो, तो बहुत टेंशन थी। भैया लोग ने बहुत अच्छा काम किया, सच में मेरे भाई मेरे लिए हीरो हैं। तो ये मम्मी है जो स्वागत कर रही हैं अपने दामाद जी का, अपने अभिनव बाबू का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये हमारा मंडप है। ये देखिए पीछे की आप बैकग्राउंड देख रहे हो ना, नीचे जो हमारा घर है वो नीचे खाली पड़ा रहता है, कोई रहता नहीं है, और पुराना घर है तो पूरा आप देख सकते हो बैकग्राउंड कैसे आ रहा है। और यहाँ पर मंडप लगा है, मंडप बहुत बहुत सुंदर लगा था, बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, चाहे फोटो उतनी अच्छी आई नहीं जितना अच्छा मंडप था, बहुत ही अच्छा अरेंज हो गया था। और इसी मंडप के नीचे जयमाल भी हुई थी, और शादी शादी तो मंडप में होती ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये दूल्हे राजा को मेरे दोनों भाई लेकर आ रहे हैं, जो साले लाते नहीं है जीजाजी को अपने उठाकर, वही हो रहा है। और मम्मी यहाँ पे बुआ को टीका कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई है। ये देखिए ये मेरी एंट्री की फोटो है, ठीक है। ये देखो ये मेरी भाभी हैं, और ये जो है मेरे घर के पास में रहती हैं, ये मेरी बुआ लगती है, ये मेरी प्यारी सी बहन है, और ये मैं इसकी मौसी लगती हूँ, ठीक है। और ये जो फ्रेंड है गुंजा, इसका नाम कीर्ति भी है, तो ये मेरी बहुत बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है मेरी, क्योंकि एक यही थी जिसने प्रेयर किया था भगवान से, और सबसे कहा भी था कि मैं, क्योंकि ये मेरी रिलेटिव लगती है, कि मैं शादी में ज़रूर आऊँगी, चाहे कोई आए ना आए, मैं श्रुति की शादी में ज़रूर आऊँगी। और किस्मत की बात है कि ये जायस आई हुई थी और लॉकडाउन में फंस गई थी, और कोई भी रिश्तेदार नहीं आ पाया, कोई फ्रेंड नहीं आ पाया, ये केवल हमारी शादी में थी। तो बहुत, जो भी मेरी शादी में आ रहा वो बहुत लकी मानता है कि हम श्रुति की शादी में थे, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सब कहते हैं कि शादी लग ही नहीं रहता कि बैंड बाजा या फिर डीजे या फिर शोर शराबा, वो मतलब जो होता है नॉर्मली शादी में, उन सब चीज़ों की जरूरत थी, बिल्कुल अलग सी, और बहुत ही खूबसूरत शादी थी। अब ये देखो यहाँ पर मैं आ रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पति देव ना, मेरे दूल्हे राजा, मतलब वो खुद मंडप पर बैठने चले गए और मैं यहाँ पर थी। मैंने कहा यार, मतलब हाथ पकड़ के तो कम से कम स्टेज नहीं बना, हाथ पकड़ के मंडप पे तो ले जा सकते हो। फिर बाद में लौट के आए और यहाँ पे दीदी को हल्की स्माइल कर रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पे ले गए। और मेरी स्माइल देखो, बहुत बत्ती सी दिखा रही हूँ मैं तो उनको पाके बहुत खुश थी। ये भी बहुत खुश थी, ये कह रहे थे वो जो लड़की थी जो मेरे सामने आई थी ना, मेरी जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि हाँ मेरी दुल्हन ऐसी लगेगी,
बिल्कुल वैसी दे दूँ, बहुत खूबसूरत है, या उससे भी कहीं भी ज्यादा, मतलब खुद की तारीफ कर रही हूँ क्योंकि इनके शब्दों में कर रही हूँ और ये मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा था। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर शादी की स्टार्ट भी हो गई है। एक्चुअली जयमाल करने से पहले ही शादी हमारी स्टार्ट हो गई थी, बहुत जल्दी जल्दी शादी निपटा रहे थे। तो यहाँ पर जयमाल की तैयारी चल रही है। और ये देखो यहाँ पे, ये हमारे दूल्हे राजा, कितनी प्यारी फोटो आई है ना ये फोटो भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। यहाँ पर शादियाँ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं आके बैठी हूँ, मतलब हम दोनों बैठे हैं। उसके बाद पंडित जी ने वही गौरी पूजन, गणेश पूजन जो होता है वो करवाया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जयमाल हो रहा है, मंडप के नीचे ही हमारा जयमाल हुआ था। एक सच बताऊँ तो मेरा सपना भी था, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता था हमारी शादी कैसे होगी। कभी लगता था मंदिर में होगी, कभी लगता है सब लोग मान जाएंगे तो बहुत आलीशान होगी, पर इतना पता था कि हमारी शादी ना भगवान जी करवाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हो रहा था। और ये शादी वही थी, तो मंडप के नीचे मैंने सोचा था, कभी सोचा था कि जयमाल होगा, और मंडप के नीचे ही हमारा जयमाल हुआ था। ठीक है, ये जयमाल की फोटोज हैं। ठीक है, ये है जयमाल की फोटोज। एंड ये उसके बाद जो फोटो सेशन होता है, सब लोग जो फोटो खिंचाते हैं वो है, सभी लोग रिलेटिव ने आके यहाँ फोटो खिंचाया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और ये देखो मेरी स्माइल, बिट्टू जी मुझे मिल गया, और क्या चाहिए था मुझे। ठीक है, और ये फोटोज हो रही हैं। उसके बाद भी सब घर वाले खिंचवा रहे हैं फोटो, भैया भाभी हैं हमारे, ठीक है, और सारे रिलेटिव हैं। और ये देखो मम्मी हैं, ताई जी हैं, और लोग भी हैं, सब लोगों ने आके फोटो खिंचाया। ताऊ ताई जी हैं यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि लंबे वीडियो जो बहुत लंबा होता जा रहा है। उसके बाद ये हमारी दादी हैं। ठीक है, ये दादी हैं, और ये हमारा घर का मंदिर है। और यहाँ पे पापा की फोटो भी खींची थी, पता नहीं क्यों काट दिया उसने। ठीक है, और यहाँ पर हमारी थोड़ा, ये इसके बाद ये फोटो सेशन हुआ। बहुत ज़्यादा फोटोज नहीं ली, पर थोड़ी बहुत फोटो ली, जैसा फोटो होती है दुल्हन की वैसे फोटो ली गई वरना सच में कह एलो में होता ही क्या, मैं नहीं होती तो क्या होता, कुछ नहीं होता। और यहाँ हमारी हो रही है हाथ मिलाप, यानी जो कन्यादान होता है वो कन्यादान हो रहा है। मम्मी यहाँ पर कन्यादान कर रही हैं, और भाई जो पानी डालते हैं वो पानी डालना है। ठीक है, ये कन्यादान की फोटोज हैं। ये देखो, मैंने सोचा है बहुत अच्छा रोस्ट करूंगी, पर मैं रोस्ट नहीं कर पाई अपना एल्बम वाकई में। और यहाँ पे फेरे की रस्म हो रही है, जो लावा अग्नि में छोड़ा जाता है, भैया छोड़ते हैं। तो भैया रवि भाभी ने पकड़ा हुआ था, भैया डाल रहे थे, और भाई भी खड़ा था छोटा वाला भी। तो यहाँ पर हो रहा है अग्नि जो हवन होता है वो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो आता है मुकुट जैसा होता है, बट वो आया नहीं था, इधर से नहीं जाते क्योंकि अग्रवाल है और हम लोग वैश्य हैं, तो मतलब कौशल थोड़ा सा अलग है हम लोग का, तो यहाँ नहीं जाता, तो नहीं गया था, वहाँ जाता है। तो वहाँ के हिसाब से पंडित जी ने ये आम का पत्ता हमारे लगा दिया था, बना दिया मुझे बन की रानी। और यहाँ पर ये हो रहा है, फेरे हो रहे हैं हमारे। ठीक है, और ये फेरे हो रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और ये हो रहा है सिंदूरदान, सबसे प्यारी सबसे खूबसूरत फोटो है। तो ये लगा रहे हैं पतिदेव हमारे सिंदूर। यहाँ पे बाकी जो जो पत्थर रख के पत्थर की लकीर नहीं बनाई जाती, ऐसा होता है लावा के ऊपर, वो हो रहा है। सारी रस्में धीरे धीरे हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर भात पहनाया जाता है, वो भात पहनाया जा रहा है, और पतिदेव बिल्कुल सर इनका गर्म हो चुका है। ये देखिए, बाकी बस वही रस्में हैं, धीरे धीरे रस्में
चल रही हैं, और ये शादी 2 घंटे के अंदर शादी निपट गई। और ये देखो, ये हमारे पति देव के पीछे पीछे एक छोटी सी गुड़िया चल रही है। ऐसा लग रहा है मैं क्या बन गई हूँ, एकदम गुड़िया लग रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज है, आगे 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 क्या है, आगे भी मेरी विदाई की फोटोज है। विदाई से पहले जो रस्में होती हैं वो रस्में यहाँ पे कर रही हैं, मम्मी हैं, बुआ जी लोग हैं, ठीक है, ये रस्में हो रही हैं। और ये विदाई से पहले एक बार छोटी सी विदाई होती है, वो विदाई की गई है, हम घर के बाहर हैं। इसके बाद फिर हम घर के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ होगी अपनी विदाई है। देखो ऐसा कोई फोटो लगाता है, कितनी सड़ी फोटो लगाई है यार, ढंग के रो क्या, जरा बुरा रोती हूँ क्या, ऐसे सड़ी फोटो लगा दी है, बिल्कुल सकल बिगाड़ दी है। और ये विदा होकर 2 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 2 मिनट से कम टाइम लगता है मुझे अपने ससुराल आने में। और यहाँ पे हमारी विदाई हो गई है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद जो फोटो सेशन हुआ था उसकी कुछ फोटोज हैं, ये देखिए। अब बताओ मेरा मेकअप कैसा हुआ था, मैं कैसी लग रही थी, मेरा पतिदेव कैसा लग रहा था, ये सब मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको मेरा एल्बम, ठीक है। और एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। तो ये है वो, मतलब कैसा लगा आपको मेरा एल्बम मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 2 साल हम लोग ने हंसते हंसते कंप्लीट कर लिए। और ये देखिए, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी लंबी जर्नी थी यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, 10 साल हम लोग ने इंतज़ार किया था इस दिन के लिए, 10 साल के बाद फाइनली हमारा ये दिन पूरा हुआ और हम एक हो गए और हमारी एल्बम है शादी की, कभी सोचा नहीं था। पर शादी जो हुई सच में मैजिकल थी, जो भगवान शादी कराते हैं ना, बिल्कुल वैसे मैं वो महसूस, आप थे नहीं, मतलब शादी में वहाँ थे नहीं, आप वो चीज़ महसूस नहीं कर सकते, मैंने बहुत कुछ महसूस किया है शादी में, ठीक है। ये देखो रॉक। तो ये ऐसे घबराई घबराई लग रही हो यार, क्या क्या फोटो, इतना इंतजार किया, फोटो भी ढंग से नहीं खिंचा पाई मैं, ठीक है। मेरे बर्थडे की स्माइल जब भी करते ना अच्छे लगते हैं, वैसे तो करते नहीं जल्दी पर अब करने लगे हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है दुल्हन को पोटी आई है, क्या गंदी फोटो लगाई है, बट कोई नहीं, एल्बम जो थी, मुझे अपनी एल्बम बहुत पसंद आई क्योंकि मैं हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि यार वो फोटो सेशन नहीं होता तो मैं एल्बम में होता क्या, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, मैं हूँ तो एल्बम है। तो ये है हमारी शादी की एल्बम। तो ये था मेरे वेडिंग एल्बम जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सबसे पहले बताऊँ दूँ कि बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ये शादी भी जो हमने किया ना ये भी बहुत भारी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल के साथ हुई थी, सच बता रही हूँ। लव मैरिज कर रहे हो तो बवाल तो होगा ही लाइफ में, बट हाँ मैं अपने फैसले से बता दूँ कि मैं अपने फैसले पर कायम रही कि मुझे इनसे ही शादी करनी है। और क्योंकि हम बहुत छोटी जगह से हैं, हमारा होम टाउन है वो जायस है, अमेठी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे भी होने लगी है लव मैरिज पर उतना नहीं होती है, तो घर वालों का बहुत ज़्यादा विरोध था। बट हाँ अब सब लोग बहुत खुश हैं आपस में और उनको भी मतलब सब कुछ ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक ऐसे इंसान को जो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करता है, मेरी खुशी के लिए इन्होंने जो किया है 2 साल में वो कोई कदम नहीं उठा सकता। कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बट उन्होंने वो कदम उठाया मेरे लिए जो हर कोई पति कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, जब तक वो दिल से नहीं चाहेगा वो अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत सही हैं, जैसा एक लड़की को चाहिए होता है ना। मैं खुशनसीब हूँ कि वैसा इंसान मेरे साथ है और दिल का बहुत अच्छा है। थैंक यू बाबू मुझे अपनाने के लिए और मेरे लिए ये शादी, ज़रूर हम दोनों ने मिलके फाइट की थी, सबको बनाया था, बट मुझसे ज़्यादा इनको फाइट करनी पड़ी, मुझसे ज़्यादा परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ी। मेरे पास मुझे बनाने के लिए 27-28 लोग थे मुझे बनाना था, इनको 4-5 लोगों को बनाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी इनको अपनी
बात को रखने के लिए। और शब्दों में नहीं बता सकते, बस शब्द कब पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। 2 साल बीत गए, 2 साल हम लोग शादी के बाद एक साथ रहे हैं, और सुख दुख जो भी था, कम ज्यादा था, ऊपर नीचे था, साथ में मिलके जिया है, और आगे भी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने वाले हैं। मैं इनको थैंक यू बोलूं कि भगवान जी को, समझ में नहीं आ रहा। पठा, आई लव यू बिट्टू जी, आई लव यू एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मुझे 2 साल झेला, 12 साल हो गए, 10 साल तो पहले भी झेला था, इतने साल झेला है, अब आगे भी तुम्हें को झेलना है। तैयार रहना, अपने कंधों को मजबूत करो। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वेडिंग एल्बम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, मैं कैसी लग रही थी, मेरे पतिदेव कैसे लग रहे थे, क्या इसमें आपको अच्छा लगा, और जो मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी भी शेयर की अपनी शादी को लेकर, वो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताना। लव यू ऑल, टेक केयर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। लव यू।